प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 16, मैथ्स क्लास 9 की वर्कशीट है ये। इस वर्कशीट में हम लोग पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है और उसे कैसे करते हैं? तो देखिए, रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस है बाय विच जो रेडिकल्स होते हैं, यानी जो रूट साइन होते हैं डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन के, उसको एलिमिनेट करना है। डिनोमिनेटर में यानी अगर रूट है तो उसको एलिमिनेट करना है, उसको हटाना है। तो हमने कई बार देखा है, देखिए 2/√5 है, आप ध्यान से देखिए, और 2√2/5 है। इनमें आपको क्या नजर आ रहा होगा कि पहले वाले केस में रूट है डिनोमिनेटर में, दूसरे वाले केस में रूट नहीं है, है ना? तो Why teacher say having a root sign? क्यों root numerator में होना चाहिए okay है लेकिन denominator में ना हो, ऐसा क्यों होता है? वजह है, reason यही है कि अगर हम जब add या subtract करते हैं fraction को तो easy हो जाता है add या subtraction करना, computation करना, calculate करना, अगर वहां पे root नीचे ना हो, ठीक है, तो easy हो जाता है। irrational की जगह अगर कोई ऐसा number है तो easy हो जाता है, बस सिंपल यही बात है। तो चलिए, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2/√5 है। रैशनलाइजेशन कैसे होता है, रूट में जो रकम है उसी को ऊपर और नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर वो सिंगल डिजिट है तो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/√5 और ये रूट में चला जाएगा 2/5। रूट में 2/5 है तो रूट से बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब इसका रूट हट गया, तो ये आ गया रैशनलाइज, इसी को कहते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो ये तो सिंगल डिजिट के लिए है, बाय चांस सिंगल से ज्यादा हो डिजिट नीचे, जैसे कि अब ये है रूट के अंदर है, आप 1/√2+√3 है, तो हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो जिस सिंबल को अपोजिट करके सेम रकम यही लिखेंगे, 2-√3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो है अगली वर्कशीट में आएंगे, इसको बाद में देखते हैं। तो ये है डबल डिजिट पे, यानी कॉन्जुगेट जिसे बोलते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ 2+√3 होता है 2-√3, और 2-√3 का कॉन्जुगेट होगा 2+√3। बट अभी इस समय सिंगल टर्म पे समझते हैं, सिंगल टर्म को सिंगल वैसे ही एज इट इज लिखेंगे उसको कॉन्जुगेट। तो ये जैसे ये क्वेश्चन है, अगर इसका रेस्टोरेशन करना तो रूट फाइव डिनोमिनेटर में देखिए जो रूट है बस उसको ध्यान देना है, न्यूमरेटर को नहीं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर हो गया 10 और नीचे हो जाएगा 5 × 5, 2 टाइम हो गया ना, तो ये होगा 10/5, क्लियर है, रूट में 10/5। चलिए अब इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रेस्टोरेशन लिखा हुआ है 1/√3 है, तो रूट थ्री को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे सिंगल डिजिट में, तो ये हो जाएगा 1√3/√3 दो बार हो गया, एक बार बाहर आ जाएगा, 1√3 होता है और ये पूरी रकम रूट से एक बार बाहर आ गई, तो ये आंसर आ गया। ठीक, वैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 तो -3/√5 है, तो √5 का ही हम रैशनलाइजेशन करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो ये ऊपर हो जाएगा -3√5, ये बिना रूट का और एक रूट की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे होती है, नीचे √5 क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा, जैसे हमने ये प्रोसेस यहाँ किया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, √5/√3 है, तो हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ऊपर हो जाएगा 15 रूट में क्योंकि दोनों ही रूट के हैं, नीचे होगा √3 × √3, पेयर में बाहर आ गया, तो ये 15/3 रूट में 15/3, क्लियर है। फोर्थ देखिए, 5/√7, तो √7 को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5√7/, चला गया 7 × 7, पेयर से बाहर आ जाएगा 5√7/7, रूट से ये बाहर आ गया। आई होप आप लोगों को बहुत इजी वर्कशीट की समझ में आ गई होगी कि रैशनलाइजेशन क्या है और कैसे करते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन आप लोग भी कीजिएगा होमवर्क में, 3/√3 का आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं।